सेल 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 आ गई है, बड़े बड़े ब्रांड्स पे बड़ी बड़ी सेल। ले लीजिए अमेजोन पे कैनन 80D मात्र 200 रुपये में, वीवो V11 फोन मात्र 300 रुपये में। अरे भैया पिज्जा हट और डोमिनोज पे 90% का डिस्काउंट चल रहा है, एक व्हील को बिल्कुल आप घुमाइए और आपको मिल जाएगा पिज्जा हट का या डोमिनोज का पिज्जा सिर्फ 10 रुपये में। अरे भैया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 10 करोड़ लोगों को बीमा दिया जा रहा है 5-5 लाख रुपए का, वो भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। सो गाइस अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो या व्हाट्सएप चलाते हो तो कभी ना कभी आपको इन तरीके के मैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको बस एक वेबसाइट का लिंक दिया जाता है, ऊपर से नीचे तक बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती है, आपको बिल्कुल कन्विंस कर दिया जाता है कि उस वेबसाइट पे जाइए, आपके लिए कुछ ना कुछ फ्री है। लेकिन रुको रुको, कभी सोचा है कि ऐसी फर्जी वेबसाइट्स अगर आपके पास आ रही हैं, भर भर के दुनिया में कितनी ही वेबसाइटें होंगी, तो हम लोग कैसे पता लगाएं कि कौन सी वेबसाइट रियल है और कौन सी वेबसाइट फेक है? सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वॉचिंग सिट। So guys, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और अब तो आप मेरे वीडियोस देख के पेटीएम कैश कमा सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो जरूर देखें। तो अब मैंने आपके लिए कुछ चीजें डिजाइन करी हैं, जिसके हिसाब से आप लेवल बाय लेवल पता लगा सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट रियल है और कौन सी वेबसाइट फेक है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट आता है, कोई भी आप वेबसाइट विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसके URL पे देखना है कि वो वेबसाइट स्टार्ट कैसे होती है, क्या वो HTTP से होती है या HTTPS से होती है। अगर S से होती है तो फर्स्ट लेवल के हिसाब से ये वेबसाइट थोड़ी सी सिक्योर मानी जाएगी, लेकिन आज के टाइम में HTTPS जो है वो फ्रीली सबको मिलता है, तो ये जो पॉइंट है ये मान लीजिए 90% काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है HTTPS आजकल सारी वेबसाइटें लगा के ही आपको देंगी। तो अब जो दूसरा पॉइंट आता है मेरा, जिससे आप वैलिडेट कर सकते हो कि कौन सी वेबसाइट रियल है कौन सी वेबसाइट फेक है, तो देखिए जो भी वेबसाइट का लिंक आपके पास आएगा, तो यहां पे कुछ लोग अपना दिमाग लगाते हैं, इन मैसेजेस के अंदर जो लिंक होता है उसको शॉर्ट URL बना देते हैं। शॉर्ट URL का मतलब होता है लिंक आपको छोटा दिखेगा और आप जो चाहो वो बना सकते हो, लेकिन जब उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो छोटा लिंक ऑटोमेटिकली बड़े लिंक में ट्रांसफर हो जाएगा और आपने शॉर्ट URL ओपन करा और आपको लॉन्ग URL जो मेन वेबसाइट का लिंक है वो खुल जाएगा। तो ये जो शॉर्ट URL है, उसके बाद जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो जो वेबसाइट का लिंक आ रहा है आपको उस लिंक के अंदर देखना है कि उसके अंदर जो आखिरी में डॉट के बाद चीजें आ रही हैं वो क्या आ रही है। मान लीजिए कुछ गवर्नमेंट की एजेंसी के ऊपर चीजें हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है या फिर आयुष्मान योजना चल रही है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट खुद आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है। तो ये जो लिंक्स होंगे आपको पीछे ये देखना है, जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं उसके पीछे आपको देखने को मिलेगा वो वेबसाइट एंड होगी .gov.in के हिसाब से। तो अगर गवर्नमेंट ने ही वो चीज़ लॉन्च करी है तो आपको जो वेबसाइट का URL भेजेंगे उसमें आपको पीछे यही देखना है कि .gov.in मिल रहा है कि नहीं, और ये बिल्कुल इकट्ठा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं GOV के बाद बीच में कुछ आ गया उसके बाद .in आ गया। तो आपको पहले ये देखना है कि वो डोमेन ऑथेंटिकेट है कि नहीं, मतलब वो जो डोमेन है वो ऑफिशियल लोगों ने, ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है कि नहीं है। तो मान लीजिए जैसे कुछ एग्जाम्स होते हैं तो उसमें जो आपको डोमेन्स देखने को मिलेंगे पीछे वो होता है .nic.in, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो भी वेबसाइट्स आपके पास आई हैं अगर वो कनेक्ट करती हैं डायरेक्टली किसी एग्जाम से, किसी मतलब गवर्नमेंट एजेंसी से या फिर किसी बड़ी वेबसाइट से, तो आपको पीछे देखना है कि गवर्नमेंट की जितनी वेबसाइट्स होती हैं सब में .gov.in आएगा ही आएगा लास्ट में और .nic.in आएगा ही आएगा। अगर ऐसी वेबसाइटें हैं जहां पर पीछे नहीं आ रहा है, डायरेक्टली .in आ रहा है, .org आ रहा है, .com आ रहा है, .co.in आ रहा है, तो ये ऐसे डोमेन होते हैं जो कोई भी खरीद के कोई भी वेबसाइट बना सकता है। अब जो तीसरा तरीका है किसी भी वेबसाइट को पता लगाने का, वो ये है कि वो वेबसाइट जो है वो बनी कब है, मतलब उसकी डोमेन की एज क्या है, क्या ये 2 महीने पहले बनी है, क्या ये 1 साल पहले बनी है या ये बरसों से चली आ रही है। तो ये देखने के लिए हमको एक वेबसाइट है जिसको बोलते हैं whois.net। तो ये जो whois है, जब भी कोई वेबसाइट बनाता है तो उसके अंदर उसको सारी डिटेल्स देनी पड़ती है कि वो वेबसाइट किसके नाम पे रजिस्टर करा रहा है। तो यहाँ पे जो लिंक आता है कि whois.domaintools.com, इस पर आप जाएंगे तो मान लीजिए ये एक वेबसाइट है, मुझे पता करना है कि ये वेबसाइट रियल है फेक है, तो इसका जो डोमेन है पीछे का उसको मैं कॉपी करूंगा, .in है तो इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं उसको लिखूंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा ये किसने खरीदा, कब खरीदा, कितनी साल में एक्सपायर हो रहा है, कब इसको रिन्यू करना है। तो ये वेबसाइट जो है वो 110 दिन पुरानी है, 22 अक्टूबर को इसको रजिस्ट्रेशन किया है इसका 2018 में, और अभी इसी साल ये जो एक्सपायर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि वेबसाइट कितनी पुरानी है, किसने इसको रजिस्टर करा के रखा हुआ है, क्लाउडवेयर के अंदर ये है, और ये वेबसाइट मुझे फेक ही लग रही है क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट की होती तो यहाँ पे .in नहीं होता, इसके आगे होता .gov.in। अब जो अगला पॉइंट है वो ये है, हम गूगल से पता लगा सकते हैं कौन सी वेबसाइट फेक है कि रियल है। तो देखो कैसे लगाएंगे, जो भी वेबसाइट होगी कहीं ना कहीं तो शेयर हुई होगी, कितने लोगों ने बताया होगा या कुछ लोगों ने ये भी बताया होगा ये वेबसाइट खराब है, मत जाओ, ये करो, तो वो जो वेबसाइट का लिंक है ऐसा
तक ऐसा आप गूगल सर्च में पेस्ट करिए तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उस रिजल्ट्स में आपको पता लग जाएगा अगर वो वेबसाइट रियल होगी तो और भी वेबसाइट्स उसको पॉइंट कर रही होंगी या गूगल में उसका लिंक आ रहा होगा। लेकिन अगर गूगल में वो लिंक ही नहीं आ रहा है तो हो सकता है वो वेबसाइट फेक हो, इसीलिए उसने गूगल के अंदर इंडेक्सिंग ऑफ करके रखी है। या ये भी हो सकता है कि वो जो वेबसाइट है वो इतनी फेक है कि गूगल उसको क्रॉल ही नहीं कर पा रहा है, गूगल खुद बताना ही नहीं चाह रहा है कि वो वेबसाइट पे आप लोग जाओ। यहाँ पे एक ट्रिक और है, मान लीजिए इस वेबसाइट के बारे में मुझे पता करना है कि इसके अंदर कितने लिंक्स और हैं, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और गूगल पे जाके मैं सबसे आगे पहले तो लिखूंगा SITE:, तो साइट कोलन, उसके आगे अगर वेबसाइट का नाम आप लिखते हैं तो इस वेबसाइट में कितने लिंक्स हैं वो सारा गूगल बता देगा। तो इसके टोटल 3 लिंक हैं, तो ये तीनों लिंक आप ओपन करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेबसाइट फेक है कि रियल है। क्योंकि अगर 5 से कम लिंक है तो ये वेबसाइट फर्जी ही है। क्योंकि अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या कोई भी बड़ी वेबसाइट लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट के 1 करोड़ से ज्यादा रिजल्ट्स हैं। तो जितनी बड़ी वेबसाइट होंगी उतने ज्यादा उसके अंदर पेजेस होंगे, तो जिसके कम पेजेस हैं वो आप मान सकते हैं कि वो फेक हो। अब जो अगला पॉइंट है वो ये है, मान लो ऐसी वेबसाइट आपको मिल गई, अभी तक आपको लग रहा है कि यार सब कुछ सही है, लेकिन अब ये जो वेबसाइट है ये मांग रहा है आप ही का डेटा, आपका नाम, नंबर, एड्रेस या और भी बहुत सारी चीजें मांग रहा है। तो ये सब चीजें देने के पहले आप ये समझिए कि वो वेबसाइट वाला आपको क्या क्या डिटेल उसकी दिखा रहा है। मतलब आपकी डिटेल तो वो ले रहा है, तो अब आपको ये देखना है कि उनकी डिटेल उनने वेबसाइट पे पोस्ट करके रखी है कि नहीं। तो एग्जांपल के लिए ये वेबसाइट है, ये आपका डेटा मांग रही है, ये बोल रही है कि आपका ये आयुष्मान भारत में आपको फ्री में बीमा मिलेगा। तो यहाँ पे आपका नाम, नंबर, एज, उसके बाद आप कहाँ से हैं, ये सारी डिटेल वो ले रही है। तो आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर वेबसाइट अपना डेटा दिखा रही है कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो अगर ये गवर्नमेंट वेबसाइट होती तो पहली बात तो ये gov.in में होती, ये .in पे है, उसके ऊपर भी सब डोमेन बना के रखा हुआ है, तो ये तो पूरी फेक वेबसाइट है। अब हम देखते हैं इसकी प्राइवेसी पॉलिसी अबाउट अस क्या है। तो हम सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे छोटा सा अबाउट अस लिखा है और प्राइवेसी पॉलिसी लिखा है। इनको लग रहा है कि प्राइवेसी पॉलिसी लिखने से लोगों को लगेगा ये सही है, लेकिन अबाउट अस में जाएंगे तो ऐड भरा हुआ है, ऐड के ऊपर इन्हें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी में सबसे ऊपर तो ऐड आ रहा है, उसके बाद इन्हें लिखा हुआ है हम आपका कोई डेटा सेव नहीं करते, कृपया अपने डेटा के बारे में चिंता ना करें। पता नहीं क्या लिखा हुआ, मतलब खुद की वेबसाइट है तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो पहली बात तो ये बताइए कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में ये लिखती होगी कि आपके डेटा की चिंता ना करें। तो ये सिंपल पढ़ने पे समझ आ रहा है वेबसाइट फेक है, और ऊपर से इनने इनकी खुद की कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं दी है, ना फोन नंबर है, ना मेल आईडी है, ना कुछ है, तो ये पूरी तरीके से फर्जी है। तो आपको यही देखना है कि अगर कोई वेबसाइट आपका डेटा ले रही है तो आप तो आपका डेटा दे रहे हो, इनने इनका क्या डेटा इनकी वेबसाइट पर दिया हुआ है। अब जो अगला पॉइंट है वो आपको ये देखना है कि वो जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, हो सकता है वो शॉपिंग वेबसाइट भी हो सकती है, आप पहली बार कुछ शॉपिंग कर रहे हो, कुछ चीजें कर रहे हो, आपको अभी तक उस पर ट्रस्ट नहीं है कि मैं उसको पैसे दूंगा तो सामान मेरे घर आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको एक चीज और देखना है, ऐसी वेबसाइटों पर वो लोग उनके सोशल लिंक्स देते हैं, यानी फेसबुक पेज का लिंक, ट्विटर पेज का लिंक, या उनकी यूट्यूब चैनल होगी, लिंक्डइन की प्रोफाइल होगी, कुछ भी होगा, सोशल लिंक्स उनने उनकी वेबसाइट के फुटर पे या कहीं पे लिख के रखे होंगे। तो आपको इन लिंक्स को ओपन करना है और देखना है उन्हीं के ब्रांड के नाम से उनने लिंक्स बना के रखे हैं कि नहीं। अगर रखे हैं तो कितने लोग उस पेज को फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, वो कितने एक्टिव हैं। अगर वो एक्टिव नहीं है, एक एक साल पुरानी पोस्ट है, तो हो सकता है पैसे देने के बाद आपको कोई कॉन्टैक्ट ही ना करे, और आप अगर उनको कॉन्टैक्ट करें तो वो लोग भी आपको कॉन्टैक्ट ना करें। तो घुमा फिरा के बोले तो इन मेथड से आप पता लगा सकते हो कि वेबसाइट रियल है या फेक है। अब यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखिए, जो भी चीजें होती है हमको एकदम से जो लग जाए कि भाई 50,000 की चीज 200 रुपए में, 300 रुपए में, सिंपल फेक है, इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करना है। सिंपल कुछ फर्जी चीजें चल रही हैं, कुछ भी हो रहा है, पूरी वेबसाइट पे जाने के बाद वो बोल रहा है कि 25 लोगों को बताओ, 15 लोगों को शेयर करो, तब वो चीजें खुलेंगी। तो आपको खुद का दिमाग लगाना है, 15 लोग को शेयर करके अगर ऐसे होने लगा तो जितने गरीब है सब बेचारे अमीर हो जाएंगे, उनको पेटीएम में फ्री में कैश मिलेगा, फ्री में पिज्जा मिलेगा, फ्री में कैमरा मिलेगा। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, ऐड से पैसा कमाते हैं और वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए ऐसे मैसेजेस लगा देते हैं व्हाट्सएप पे, और लोग फॉरवर्ड करने लगते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है 15 लोग को फॉरवर्ड करेंगे तो उनको वो चीज मिल जाएगी। तो ये लोग 15 को करते हैं, फिर उस 15 में से एक एक लोग 15 को करते हैं, तो ऐसे वेबसाइट का प्रमोशन हो जाता है। वेबसाइट जिसने बनाई है वो ऐड से पैसे कमा लेता है और सारे लोग फंसते जाते हैं और ये लोग प्रमोट ही करते रह जाते हैं। तो इसी वजह से ये जो वेबसाइट्स है ये प्रमोट होती है व्हाट्सएप पे और सारी चीजें फॉरवर्डेड मैसेजेस में आती हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट ऐसी भी हो सकती है जो आप पहली बार किसी पे शॉपिंग कर रहे हो या कोई भी वेबसाइट है, आपको बस पता लगाना है कि वो रियल है कि फेक है। तो इन तरीकों से आप पता लगा सकते हो, आराम से आप देखोगे तो 10 से 15 मिनट लगेगा आप बता सकते हो कि जो वेबसाइट है ये फेक है कि रियल है। मतलब उनका अगर फोन नंबर नहीं लग रहा है, ईमेल आईडी पर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वेबसाइट अगर चल नहीं रही है, बीच में बंद हो रही है, या आपका डेटा लेने के बाद वो बोल रहे हैं 15 लोग को शेयर करो, ये करो वो करो, तो बहुत सारी चीजें हैं आप बिल्कुल आसान तरीकों से पता लगा सकते हो। बस आपका जो माइंड है उसको आपको एक्टिव रखना है, अगर आप एक्टिव नहीं रखोगे तो लोग आप पे हावी हो जाएंगे, वेबसाइट वाले आप पे हावी हो जाएंगे और आपको कन्विंस कर देंगे कि उनकी वेबसाइट सही है। फेक तरीके के नीचे फेसबुक के पोस्ट लगा
लगाएंगे और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आपको हर चीज को अपना दिमाग लगा के पता लगाना है वेबसाइट रियल है कि फेक है। और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, ताकि सबको पता चले और सब लोग ऐसी फर्जी वेबसाइटों से बचें और अपने दोस्तों को भी बचाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है फेक वेबसाइट से रिलेटेड, आपको लगता है कोई वेबसाइट फेक है, तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी तरह और नॉलेजेबल और ट्रस्टेड टॉपिक के लिए सिट टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।